सले सटे क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप लोग के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल चुका है भेल के तरफ से, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के तरफ से, जो कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तीनों लोगों के लिए। तीनों लोग इस अप्रेंटिसशिप में भाग ले सकते हैं, जो कि परमानेंट में काफ़ी यह बेनिफिट आपको देने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे, इसमें मैं ए टू जेड बताऊँगा तीनों लोगों के लिए आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक कितना सीट है, क्या सैलरी मिलेगा और अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले बता दूँ कि आपको ये लॉग इन बटन दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये लॉगिन दे रखा है, रजिस्टर्ड दे रखा है। तो जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं वो लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जो लोग रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, यानी कि शुरू से फॉर्म अभी फिलअप करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। अगर लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं, देखिए मैं दिखा दूं, लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका लॉगिन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ लॉगिन, जैसे लॉगिन हियर लिख रखा है, इसको यहाँ पे आपका आना है। अगर रजिस्टर्ड किए होंगे तो आपको मिला होगा एक आईडी, वह उस आईडी को फिलअप करना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ ये रिफ्रेश में 7x3 दिए रखा है, इसको आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद आप सभी लॉगिन कर लेंगे तो आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, जिसके द्वारा आप अपना प्रोफाइल को कम्प्लीट कर सकते हैं। सेकेंड मैं बता दूँ रजिस्टर्ड करने के लिए, तो या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज से आप रजिस्टर्ड वाले लिखा है जो उस पर क्लिक करें, या लॉगिन पे क्लिक करने के बाद लास्ट में देख रखें कि यहाँ रजिस्टर्ड ईयर लिखा है, तो रजिस्टर्ड ईयर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, वहां से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के डेली सबसे फास्ट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए मॉर्निंग, इवनिंग एंड कैंपस प्लेसमेंट का एकमात्र चैनल जिसपे न्यूज आपको प्रोवाइड किया जाता है, किस क्षेत्र में, किसी भी राज्य में होगा, कैंपस प्लेसमेंट का वीडियो आपको जरूर सेल एस टी क्लासेस पे मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर उसको देखें और उसमें भाग लें। और अप्लीकेशन सबमिशन डेट देख रखें कि अगस्त जो दे रखा है, और उसके बाद से इसमें सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 7 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो तो इसी तरह आपको लॉग इन करके रजिस्टर्ड कर लेना है, और उसके बाद से आप इसमें अप्लाई करके अपना 100% प्रोफाइल कर ले, अपना अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आईटीआई वाले अपना 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे। डिग्री और डिप्लोमा वाले लोग वो एनआईटीएस पे अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आप उसको जान गए, उसके बाद से नेक्स्ट मैं बता दूं, तो नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं स्क्रॉल करके आएंगे तो नीचे 3 दे रखा है नीचे, जिसमें कि फर्स्ट आपका नोटिफिकेशन ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, उसके बाद से सेकंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, थर्ड रखा गया है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। तो तीनों लोगों को मैं दिखा देता हूँ सीट, अप्लाई और उसके बाद से सैलरी, इसमें क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहला आपके सामने खुल के रखा है, मैंने देख सकते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट के तरफ से, जो कि ग्रेजुएट यानी कि बीटेक वाले लोग इसमें, जिसमें कि मैं बता दूं उनका ट्रेड रहने वाला है तो मैकेनिकल है, उसके बाद से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग, अकाउंटेंट के लिए रखा गया है, जिसमें अकाउंटेंट में बता दूँ 10+2 एंड ग्रेजुएशन कॉमर्स इन बीकॉम होना चाहिए रेगुलर, तो वो लोग एलिजिबल रहने वाले। असिस्टेंट एचआर के लिए मैं बता दूं, तो असिस्टेंट एचआर में देख सकते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है 10+2+BA वाले लोग इसमें एलिजिबल रहने वाले। बीएससी नर्सिंग के लिए 2 पोस्ट रखा गया, जिसमें 10+2+BSc वाले लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। बी फार्मा में देख सकते हैं कि 10+2+ फार्मेसी फुल रेगुलर कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। टोटल पोस्ट में बता दूं तो 95 रखा गया है, तो जो लोग एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगा। 18 से लेकर 27 वर्ष एज लिमिट रखा गया है, उसके बाद से एस सी एस टी को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष, नॉन क्लीमियर वालों को इसमें छूट मिलने वाला है। तो मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया, उसके बाद अप्लाई करने के लिए वहाँ लिंक मैंने बता दिया, उसको लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद से डेट 7 सितंबर तक आप लास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट मैं डिप्लोमा वालों को बता दूँ इसमें कि कैसे उनको और क्या क्या उनके लिए सीट रखा गया है। सेकेंड में बात करूँ तो इसमें यह है आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस, यानी कि डिप्लोमा वाले लोग। तो डिप्लोमा वाले लोग इसमें कौन कौन से एलिजिबल हैं, तो मैकेनिकल सेक्टर से रखा गया 52 सीट, जो कि काफ़ी भारी मात्रा में है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 15 सीट रखा गया, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 10 सीट रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 6 पोस्ट रखा गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए 6 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए आपका इसमें 1 पोस्ट रखा गया। टोटल इसमें भी
90 पोस्ट रखा गया है दोस्तों। इसमें भी सेम एज क्राइटेरिया रखा गया, 18 से 27 वर्ष वाले लोग इसमें इलिजिबल हैं। एससी एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष इसमें छूट मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से इसका डिटेल्स पीडीएफ का, डिप्लोमा और ट्रेड और ग्रेजुएट तीनों का पीडीएफ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अप्लाई रैंक दे रखा है, तो वहाँ से आप आसानी से इस नोटिफिकेशन को अपने ट्रेड के अनुसार, अपने डिग्री के अनुसार आप देख सकते हैं। इसका भी लास्ट डेट 7 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका ट्रेड अप्रेंटिस, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ आईटीआई वालों के लिए पूरा फुल डिटेल्स। तो ये आप का पीडीएफ आपके सामने आ चुका है, टेक्निक यानी कि ट्रेड अप्रेंटिस वाले। ट्रेड अप्रेंटिस में सैलरी दे रखा है स्टाइपेंड, यानी कि फिटर के लिए 8,050 रुपया, वेल्डर के लिए 7,700, और नंबर आप जो सीट है वो काफ़ी रखा गया है। फिटर के लिए देख सकते हैं कि 186 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 120 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 34 है, टर्नर के लिए 34 है, मशीनिस्ट के लिए आपके लिए 14 रखा गया। उसके बाद से मैकेनिक आरएससी के लिए 6 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 6 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 4 पोस्ट रखा गया, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 4 पोस्ट रखा गया, प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट रखा गया, और नंबर आप सीट में बात करूँ तो 300 पूरा टोटल नंबर इसमें 90 सीट है। तो आप लोग जो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं ज़रूर फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि अप्रेंटिस करना काफ़ी कंपलसरी हो गया और आईटीआई वालों के लिए मोस्ट रिक्वायर्ड है इसका। इसमें मैं बता दूं नेक्स्ट आपका एज लिमिट, तो इसमें भी 18 से 27 वर्ष रखा गया है। एससी एसटी को 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष इसमें छूट मिलने वाला है। एनसीबीटी एससीबीटी कोई भी हो, आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 19, 20, 21 वाले इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, और 22 वाले भी एलिजिबल रहने वाले हैं। इसी तरह के लेटेस्ट एंड डेली जॉब अपडेट के लिए सेलेस आईटीआई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अप्रेंटिस या नेक्स्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।